नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार के द टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर, जहां आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूं। मशीन से संबंधित मामला है, सूचना मिली थी तो हम यहां पर उसकी जाँच पड़ताल करने भी पहुँचे तो सूचना सही पाई गई। जो ये लाल कलर की मशीनें देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मशीन भी आप देख सकते हैं, ये मशीन है ऑनलाइन, इस पर लिखा हुआ है बेस टिकटिंग कायोस, ये कटा हुआ है यहाँ पर। स्मार्ट ये मशीन है, ये स्मार्ट कार्ड वाली मशीन है, इसमें कार्ड डालकर और टिकट निकाली जाती है। लेकिन खबर ये मिली थी कि जो मशीन है ये ढंग से काम नहीं कर रही है। 2018 में इस मशीन को लगाया गया, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, नीचे पड़ी हुई है और कुछ लोग यहाँ पर अभी परेशान होकर भी यहाँ से गए हैं। दूसरी मशीन, तीन मशीनें यहाँ पर है, एक वर्क कर रही है ढंग से तो दूसरी है लाइट जाने पर ही चली जाती है, क्योंकि इसका UPS है वो खराब बताया जा रहा है। और तीसरी मशीन मैं आपको दिखाऊंगा, ये बंदी पड़ी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर आप, इसकी स्क्रीन पर भी कुछ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है तीसरी नंबर मशीन है, ये खराब पड़ी हुई है। 2018 में मशीन ये लगी थी, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि 2018 के बाद कोविड काल में मशीनें, जाहिर सी बात है जब ट्रेन नहीं चली तो मशीनें यूज़ नहीं हुई होंगी, लेकिन जब इसका नंबर आया है यूज़ होने का तो ये मशीनें खराब पड़ी हैं। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो जनता का पैसा है उसके साथ कहीं ना कहीं जो खिलवाड़ होता है, क्योंकि एक जो मशीन होती है उसकी एक पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, जैसे खाने के पैकेट पर एक्सपायरी डेट होती है तो मशीनों पर भी पड़ा रहता है कि इतने साल तक ये मशीन वर्क करेगी। और दूसरा सवाल ये है कि क्या इसकी कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इसकी कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं करवा रहा है, और अगर नहीं करवा रहा है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो खर्च है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं। और बाकी जो 2015 से 16 से मशीनें बताई जा रही हैं ये लगी हुई हैं, इस पर भी आप देख सकते हैं लगा हुआ है कि मशीन ख़राब है। ये पुरानी मशीन बताई जा रही है, इससे भी ये तीनों मशीन आप देख सकते हैं ख़राब है इस समय। तो खास कवरेज के लिए यहाँ पर हम इस समय हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे और देख सकते हैं बड़ी लापरवाही यहाँ पर इसको कहा जा सकता है कि वो देखने को मिल रही है। जनता भी यहाँ पर जो है वो टिकट निकालने के लिए आई थी, आई कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं, क्या मानना है उनका भैया, कब से क्या लगता है ये मशीन कब से खराब पड़ी है? दरअसल बात ये, हम लोगों को मेरठ जाना जी, तो हम यहाँ पे आए, मुझे भाई मशीन खराब जी, उससे दिक्कत का सामना करना करना पड़ता है। तो मतलब बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि जनता की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए मशीन जब लगाई गई है और काम नहीं कर रही है तो फिर किस काम की मशीन? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये जो है सबके लिए ही है लगभग, ये नहीं वजह सब लोग परेशान होते हैं, आते हैं जी, तो इससे थोड़ा दिक्कत आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, इस पर सरकार को गौर करनी चाहिए। आप जी, और एक आम नागरिक के लिए वोट देते हैं तो उनको देखना नहीं चाहिए कि मशीन सही हो। तो आपने टिकट निकाला क्या? नहीं टिकट नहीं निकाला, अच्छा मना कर दिया, टिकट निकल निकल लेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं गवाह भी एक मिल गए हैं, ये जो मशीन है ये चल तो रही है दिखाने के लिए, लेकिन इसमें से टिकट नहीं निकल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है इसका जो UPS है अंदर कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट है। और दूसरी मशीन तो आप देख सकते हैं वो बंदी पड़ी हुई है, और सिर्फ एक मशीन जो मैं आपको दिखाऊंगा वो इस समय काम कर रही है, सिर्फ ये मशीन, तीन मशीनों में से एक ये मशीन है जो इस समय शायद वर्क कर रही है, ये आप देख सकते हैं वन नंबर मशीन ये है। और एक और बड़ी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि जो घर यहाँ पर रेलवे का डिस्प्ले होता है ताकि यात्रियों को सुविधा मिले, वो डिस्प्ले बोर्ड भी बंद पड़ा हुआ है। ये कुछ लोगों से क्या डिस्प्ले बोर्ड से कोई जानकारी मिल रही है? नहीं, कब कहाँ के जाने वाले हैं जी? हम जिला मुरादाबाद से, तो गाड़ी को देख रहे थे आप भी, अभी हमने देखा ऊपर जी, तो क्या कोई जानकारी सुविधा मिल पा रही है? नहीं, जब डिस्प्ले बंद है तो सुविधा क्या मिलेगी? मशीन भी अंदर खराब पड़ी ऑनलाइन टिकट वाली बताया जा रहा है, उसकी तो जानकारी नहीं है, अभी आके खड़े हुए हैं जी जी, हम उसे कवर करके आ रहे हैं अभी जी, वो भी ख़राब है, लेकिन डिस्प्ले बोर्ड भी हमने सूचना मिली तो इसको भी कवर करने आए। तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? जी ट्रेन की जानकारी नहीं मिल पा रही है, जानकारी नहीं मिल पा रही, चारों तरफ से घूम के आके घंटों के लगे जी। तो यहाँ भी मिले हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि डिस्प्ले बोर्ड भी खराब है जी, क्या कहना है आपका? सर अभी हमने टिकट बुक, उन्होंने बोला था कि अंदर टिकट बुक करवा दीजिए, तो हम टिकट बुक करवाने गए थे तो उन्होंने बोला कि अंदर जाइए पूछताछ पे, तो पूछताछ पे गए तो फिर उन्होंने बोला कि आप ट्रेन में चढ़ जाइए बस ऐसे ही, और TT से मालूम कर लेना वो कर लेगा। अच्छा, TT से? हाँ TT से मालूम कर लेना वो बता देगा। किसने किसने बोला? पूछताछ वालों से अभी पूछने गए थे तो। अच्छा, क्यों टिकट नहीं मिल रही है? टिकट को हमने बुक करने को दिया था हमने, हाँ। तो फिर उन्होंने बोला इधर जाइए, इधर गए तो वो बोला टिकट इधर से बुक नहीं हो रही, उधर जाइए, उन्होंने बोला पूछताछ पे जाइए, इधर से उधर भगा रहे हैं। अच्छा, और कुछ नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि TT से बताया जा रहा है, खुद ही बता रहे हैं कि TT से क्या है कि बात कर लीजिए ट्रेन में जाकर, वही आपका काम करवा देगा, क्योंकि टिकट जो है वो यहाँ पर नहीं बुक हो पा रही है, बाहर से लोग आ रखे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली सादरा। तो देख सकते हैं दिल्ली सादरा से आए हुए हैं, टिकट के लिए आए थे और हम तो दूसरे कवरेज के लिए आए थे, लेकिन एक और मामला यहाँ पर देखने को मिल गया है, डिस्प्ले बोर्ड तो खराब ही है
साथ में जो ऑनलाइन टिकट निकालने वाली मशीन है वो भी ख़राब है और ये बता रहे हैं कि टिकट भी नहीं मिल रही है, तो क्या टीटी से टिकट ली जाएगी? अब तो जा रहे हैं हम दूसरे स्टेशन से छोड़कर। अच्छा, बस से जाएंगे या फिर नजियाबाद से देखेंगे? तो ये देख सकते हैं आप, टिकट भी यहाँ पर हरिद्वार स्टेशन से नहीं मिल पा रही है। एक तो मैं सरकार से भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जो कोविड काल के बाद जो ये जनरल टिकट जो मिलती थी स्टेशनों से वो जो बंद कर दी है, क्योंकि कई लोगों की शिकायत हमारे पास भी आई कि जनरल टिकट जो मिलती थी वो सुविधाजनक होती थी, उसको सरकार दोबारा अनुमति दे दे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अगर स्टेशन से टिकट मुहैया कराई जाती है तो लाखों लोग उस दिन टिकट लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सफ़र करते हैं। तो ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट के आपके साथ जुड़े थे, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।